नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाई का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जय दिखाने वाला हूं। जय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्रास बॉल लेना। तो दोस्तों, अगर जय हैंडल की जगह से लीकेज हो जाता है तो आप इस लीकेज को कैसे बंद करोगे, मैं इस वीडियो में जय दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है। ये जो हैंडल मैं घुमा रहा हूँ, इस हैंडल से पानी लीकेज हो रहा है। मैं पहले अपनी उंगल लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ से बूंद बूंद पानी गिर रहा है। इस पानी को हम बंद करके आपको दिखाते हैं ये पानी बंद किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले हम स्पैनर लेंगे और स्पैनर की मदद से इस नट को खोल लेंगे जो हैंडल के ऊपर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपका भी हैंडल इस जगह से लीकेज है तो आप इस वीडियो को देख के ये ब्रास वाल वेल्व को ठीक कर सकते हो। तो ये हम काम करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इस लीकेज को बंद किया जाएगा। सबसे पहले हम इस नट को बाहर निकाल लेंगे। ये काम थोड़ा जल्दी से हम कर लेते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया था तो देख सकते हैं जहाँ से हैंडल लीकेज था बहुत सारा पानी निकल रहा है, क्योंकि मोटर हमने ऑन की है इसलिए जहाँ से पानी निकल रहा है। मैंने थोड़ा प्रेशर को कम कर दिया है। तो अब हम जो नीचे एक नट और लगा होता है, इस नट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये भी काम हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये थ्रेड टेप होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। इस थ्रेड टेप को अंगल की मदद से एक हम वाशल बनाएंगे। इस वाशल को हम उस जगह पे डालेंगे जहाँ से लीकेज था। आप देख सकते हो जो हमने छोटा सा एक वाशल बनाया है और इस पासों को अंदर की तरफ हम धकेल देंगे। इस प्रकार वाशल को धकेल दें। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा नट लेंगे जो हमने निकाला था। इस नट को इसी जगह पे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये भी काम हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये काम हम जल्दी से कर लेते हैं। हमने इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब जो पानी लीकेज था वो बंद हो गया है। अब हम इस पर हैंडल दोबारा लगा देंगे और सन्नी की मदद से जल्दी से ये भी काम कर लेते हैं। इसको अंदर घुसा दिया हमने। अब हम इस पर जो नट था वो भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये भी काम हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब मैं आपको ये वाल बंद करके दिखाता हूँ, ये भी वाल घुमा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस जगह से जो लीकेज था वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा ब्रास बॉल वाल्व की लीकेज, हैंडल की जगह से लीकेज हो तो उसे किस तरीके से बंद किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।